ऑलराइट दोस्तों, तो ये सनसेट है, ये अपनी बाइक और अभी हम हैं, अभी मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ नाग टिब्बा ट्रैक पे और यहाँ तक बाइक आ गई। अब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। ये रहा द गोट विलेज, एक घंटे का रास्ता यहाँ से दिखा रहे हैं, चलते हैं फिर। ये मेरी अब काफ़ी टाइम बाद सोलो ट्रिप हो रही है और फर्स्ट टाइम कैंपिंग होगी सोलो। चलते हैं फिर। यहाँ नाग टिब्बा के बेस कैंप पे पहुंच गया हूँ मैं और अब अपना कैंप लगाया जा रहा है। ये पूरी कैंप साइट है इधर चारों तरफ। भैया अपना कैंप लगा रहे हैं। तो अब कैंप लगाने के बाद मैं बैठ गया बाकी ग्रुप के साथ बॉनफायर को एंजॉय करने। ठंड तो सही थी लेकिन बॉनफायर की वजह से ज्यादा कुछ पता नहीं चला और बॉनफायर के साथ ही डिनर एंजॉय करा। और न्यू ईयर के टाइम से पहले मैं आ गया अपने स्लीपिंग बैग में क्योंकि सुबह सनराइज जो रिकॉर्ड करना था। तो जी नाग टिब्बा पैदल यात्रा शुरू। पैदल यात्रा तो काफ़ी देर से चल रही है पर अब समिट के लिए ट्रैक शुरू। तो जी ये रहा अपना नाग टिब्बा का समिट। यहाँ पे हमने सनराइज रिकॉर्ड करा था। उधर पहाड़ियों के नज़ारे दिख रहे हैं। नाग टिब्बा समिट से हमें बंदर पूंछ, गंगोत्री और केदारनाथ पर्वत श्रृंखला भी दिखाई देती है। नीचे अपना कैंप लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे स्नो के लिए बस इतनी सी स्नो है जरा सी। ये है बर्फ का जलवा। तो मेरे वैसे ही लेदर वाले शूज से ज्यादा फिसल रहे हैं। तो जी ऐसे ऐसे ही नीचे उतर रहे हैं। चढ़ते हुए तो ना रोशनी थी ना ही ऐसी कोई हिम्मत थी। कैंटीन से ये इधर रास्ता जा रहा है नीचे अपना मंदिर के लिए जो नाग टिब्बा मंदिर है। ऊपर थी समिट, समिट से होके आ गए। अब एक बार मंदिर के भी दर्शन करें। नाग टिब्बा मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचा नाग देवता का मंदिर है और नाग टिब्बा पीक सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालय की सबसे नीचे स्तर की पहाड़ियों में। बाबा नाग टिब्बा की जय। तो जी फाइनली इस हसी सफर के बाद अब मुझे बेस कैंप नजर आ गया जहां मेरा कैंप लगा हुआ है। अब बस कुछ देर कैंप में रिलैक्स करके वापस निकलूंगा अपने घर की ओर।